हेलो, कैसे हो? सब ठीक है? ये आप तुमको ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बताएंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इसमें तुमको दो पढ़ना है, एक न्यूट्रिशन इन अमीबा और दूसरा है तुम्हारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में। तो शुरू करें, इजाजत है? अब देखो, ये एनिमल में क्या होता है, तुम्हारा एनिमल जो होता है हेटरोट्रॉप्स होता है, और मोस्टली जो एनिमल होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, मैंने दे ईट कॉम्प्लेक्स फूड, वो होल फूड को खाता है, देयरफॉर दे हैव द वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा स्टेप्स होता है, और हर एनिमल चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसको उस स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला होता है कि वो फूड को प्रोक्योरमेंट करना। तो आप देखोगे क्या होता है कि डिफरेंट एनिमल्स दे हैव द डिफरेंट मेथड टू ऑब्टेन द फूड, बट लास्टली दैट फूड इंटर इन टू द माउथ। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन। अब देख लो यहां पर क्या कहता है, स्टेप इन न्यूट्रिशन कहता है इंजेशन में क्या कर रहा है, देख लो, करेक्ट, फूड इंटर इन टू द माउथ, व्हाट एवर द मीन्स, माने व्हाट एवर द मेथड हाउ टू ऑब्टेन, बट लास्टली दैट फूड इंटर इन टू द माउथ, दैट इज नोन एज इंजेशन। जैसे फूड तुम्हारा माउथ के अंदर आता है, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है तुम्हारा, वो प्रोसेस होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल वे में डिफिनेशन क्या देता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स ब्रोकन इंटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। अब यहां पे कहता है कि वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऐसा होता है कि वो बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है तुम्हारा कि ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रोकन क्या होता है। कोई भी फूड आइटम अगर आप लेते हो, तो वो फूड आइटम क्या कंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। हमने बताया था कि यही तीन चीज तुम्हारा डाइजेस्ट होता है, बाकी ऑलरेडी डाइजेस्टेबल होता है। विटामिन को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मिनरल को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डाइजेशन किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। तो कोई भी फूड सैंपल लेते हो, कोई भी फूड सैंपल ले लो, मान लो ये फूड सैंपल है, तो ये फूड सैंपल क्या होता है, आइदर दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अगर इस फूड सैंपल को आप ब्रोकन करके स्मॉल पीसेस कर दो इस तरीके से, देख लो, फिर भी ईच पार्टिकल दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जिसे मान लो कि क्या करते हो, सपोज करो ये व्हीट है, अब इससे आटा बनाते हो, तो आटा में क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है डाइजेशन का कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स ब्रोकन इनटू द स्मॉल पार्टिकल, ये स्मॉल पार्टिकल स्टिल दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, देखो ये क्या होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ध्यान से देखो, बहुत सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक साथ जुटता है तुम्हारा, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां पर ब्रोकन का मतलब क्या होता है तुम्हारा, जिसे सपोज करो इस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है इस तरीके, तो टूटने का मतलब ये होता है कि ये अलग अलग हो जाता है। हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अलग अलग हो, ठीक है, इसी को डाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि आपका बॉडी जो है सिर्फ ग्लूकोज को एक्सेप्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हारा प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, नंबर ऑफ एमाइनो एसिड ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द प्रोटीन। तो वो अमीनो एसिड अलग अलग होने लगता है तुम्हारा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। उसी तरीके से तुम्हारा फैट फैट होता है, तो वो बना होता है फैटी एसिड का, तो अलग अलग फैटी एसिड हो जाता है। तो वही देखो, यहां पर डाइजेशन का मतलब क्या दिया हुआ, देखो, कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड एंड फैट इंटू फैटी एसिड। क्योंकि आपका बॉडी
एब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज, एमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। अगर किसी कारण बस सपोज करो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दो भाग में टूट गया, दो दो मॉलिक्यूल्स का ग्लूकोज, आपका बॉडी नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये अनडाइजेस्टेड हो जाएगा आपका। उम्मीद है समझ में आ गया होगा डाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे ही डाइजेशन हो जाता है तुम्हारा, तो नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वो डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब एंड इंटर इनटू द ब्लड वेसल्स। पर हो गया आगे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल तुम्हारा डाइजेशन वहीं पे होता है और एब्जॉर्प्शन भी वहीं पे होता है। वहीं से वो ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और फैटी एसिड कहां चलाता है, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन में, और वो ब्लड के थ्रू तो लास्ट में नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन, फूड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ईच सेल, क्योंकि एनर्जी किसको चाहिए, सेल को चाहिए। तो ये फूड जो है ग्लूकोज कहां चला जाता है, तुम्हारा सेल के साइटोप्लाज्म में, वहां रिजर्व हो जाता है एज ए फूड मटेरियल। ठीक है, लास्ट होता है तुम्हारा इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब क्या, जो लास्ट बच गया अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड में क्या होता है, ये दो मॉलिक्यूल्स का ग्लूकोज भी हो सकता है, दो मॉलिक्यूल्स का एमाइनो एसिड भी हो सकता है, दो मॉलिक्यूल्स का फैटी एसिड भी हो सकता है। तो वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये फाइव स्टेप तुम्हारा हर एनिमल में होगा, क्लियर है। तो वो स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ले लो, लेना है। क्यों ठंडा लग रहा है, कम बच्चा लुटे हुए हो हैं? अरे पढ़ो पढ़ो, माता पिता बड़ी सपना देखता है। हाँ मोनालिसा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। ये देखो यहां पर न्यूट्रिशन इन अमीबा, तुमको पढ़ना है अमीबा, सब आदमी जान रहे हैं, यूनिसेलुलर होता है, इंगल्फ द फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ द सुडोपोडिया। अब यहां पर देखो अमीबा में क्या होता है तुम्हारा, कोई क्योंकि एक ही सेल का होता है तुम्हारा, यही अमीबा है। ये जो देख रहे हो तुम्हारा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसी को कहा जाता है सुडोपोडिया। सुडोपोडिया भी होता है तुम्हारा लेग, ये झूठा लेग है तुम्हारा, सुडो में होता है झूठा। एक्चुअली क्या होता है, इसी सुडोपोडिया की हेल्प से ये अमीबा तुम्हारा मूव भी करता है, और इसी सुडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करता है तुम्हारा। और जैसे ये फूड पार्टिकल, मान लो सपोज करो ये फूड पार्टिकल है, ये इन करेगा यहां पर, एक कवर लग जाता है, उसी को क्या बोल देते हो, फूड बैग। क्या बोलोगे, फूड वैक्यूम। अब ध्यान से देखो यहीं पर अब क्या होता है, क्योंकि एक ही सेल का है तो यहीं पर उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है तो फिर ये इसी के द्वारा क्या हो जाता है, तुम्हारा बाहर निकल जाता है। तो ये फूल प्रोसेस होता है। देखो क्या करता है, फूड इंटर इंटू साइटोप्लाज्म एंड कवर बाय ए लेयर नोन एज फूड वैक्यूम। कहता है कि हियर अदर प्रोसेस टेक्स प्लेस टू डाइजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और पढ़े हो कि सेल में लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो इसी हाइड्रोलिटिक एंजाइम के मदद से वो क्या करता है, फूड का डाइजेशन करता है। क्लियर हुए। एनी डाउट? ये देखो ये डायग्राम आपका दिए हुआ है, देख लो ये फूड पार्टिकल है आपका। आप देखो ये सुडोपोडिया है, देखो अभी फूड पार्टिकल को इन सर्किल कर रहा है, फिर देखो इन सर्किल करके क्या होगा, दोनों सुडोपोडिया ये आगे जाके क्या होता है, दोनों मिल जाता है और ये एक वाल बनते, फूड कहां चला गया अंदर, यही बन गया फूड वैक्यूम, और यहीं पर उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है तुम्हारा। क्लियर है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है तुमको। अब आ जाओ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में, ये डिटेल में तुमको पढ़ना है, क्योंकि ह्यूमन जो होता है तुम्हारा हायर ऑर्गेनिज्म हो गया, इसमें क्या होता है, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है,
और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है तुम्हारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो थोड़ा सा एक स्केच हम तुमको बता रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल का क्या होता है। थोड़ा डिफरेंट कलर कर दिया है उनको। अब देखो ये मोर ऑर लेस एक तुम्हारा रफ स्केच है एलिमेंट्री कैनाल का। ये हो गया माउथ, ये जो पीछे कैविटी देखते हो उसको कहा जाता है ओरल कैविटी। इसी में क्या होता है तुम्हारा टंग और टीथ होता है। टीथ क्या करता है तुम्हारा च्यूइंग एंड ग्रीडिंग का काम करता है। टंग का काम क्या है तुम्हारा मिस्टिकेट करना और टेस्ट। उसी माउथ में देखो दो पेयर क्या होता है तुम्हारा सलेवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, अब देखो ये जो ओरल कैविटी है तुम्हारा, ये कैविटी तुम्हारा इंड करता है एक लॉन्ग नैरो ट्यूब में। इसी लॉन्ग नैरो ट्यूब को क्या बोलते हो ओसोफेगस। और या फिर जहां पर ये इंड करता है उसी को क्या बोलते हो फेरिंग्स बोला जाता है। ये देखो तो जिसमें नेक नहीं होता वहां फेरिंग्स होता है, जहां नेक हो जाता है तो वही फेरिंग्स क्या होता है इलोंगेटेड होके क्या बना देता है तुम्हारा ओसोफेगस। ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, ओनली टू कंडक्ट द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो उसी को क्या बोलते हो स्टोमक। एक ग्लैंड देखो यहां पर है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये देखो ये क्या हो गया लीवर। और ये देखो पैनक्रियाज। ये हो गया थोड़ा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। एनस हो गया ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या हो गया तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एलिमेंट्री के बारे ये जो ट्यूब्स हो देख रहे हो दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या हो गया तुम्हारा वन पेयर ऑफ द सलेवरी ग्लैंड, दूसरा क्या हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा क्या हो गया पैनक्रियास हो गया, और चौथा हो गया तुम्हारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। देखो सबका पोजीशन यहां पर है। ये लीवर है, लीवर का यहां पर रोल क्या होता है, इसी लीवर में क्या होता है गॉल ब्लडर होता है। उसी गॉल ब्लडर से क्या निकलता है तुम्हारा बाइल जूस निकलता है। तो बताएंगे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस। ये समझ में आया है, आगे बढ़े। अब देखो यहां पर क्या करता है कि ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम कंटेन टू पार्ट्स। देखो पहला करता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में क्या करता है, पहला करता है सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ एंड सीक्रेट स्लाइवा व्हिच कंटेन। ये देखो कहां है पोजीशन देख ली। अब इस स्लाइवा में क्या होता है तुम्हारा
पहला जो होता है वो टाइलेंट, बी साइलेंट है तुम्हारा, उसी टाइलेंट का दूसरा नाम है स्लेवरी एमाइलेज। जहां भी ए एस सी देखो तो वो इंजाइम हो जाता है तुम्हारा, सफिक्स होता है इंजाइम का। तो ये स्लेवरी एमाइलेज जो है तुम्हारा वो कहां काम करता है, एक्ट ऑन द स्टार्च चेंज इनटू द माल्टोज। वो स्टार्च क्या हो गया, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो यहां पर डाइजेशन जो होता है तुम्हारा, ऐसा नहीं होता है कि यहीं पर माउथ में क्या करता है, जितना वो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज रहता है सबको अलग कर देता है। यहां पर मान लो सपोज करो ये इस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या करेगा, दो भाग में बांट देगा, क्लियर है। उसके बाद देखो म्यूकस होता है तुम्हारा, तो ये म्यूकस कोई एंजाइम नहीं होता, वाटरी सब्सटेंस होता है टू मेक द फूड स्लिपरी। काहे के लिए स्लिपरी, ताकि इजी वे में ये फूड ओसोफेगस के थ्रू कहां आ जाए, एस्टोमेक में आ जाए तुम्हारा, ठीक है। ओसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होता है तुम्हारा, कोई डाइजेशन नहीं होता। ओसोफेगस का काम है ओनली टू कंडक्ट द फूड फ्रॉम माउथ टू द एस्टोमेक। ये दो चीज होता है तुम्हारा सिलेबरी ग्लैंड में। दूसरा ग्लैंड होता है तुम्हारा देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड, फाउंड इन द स्टोमिक एंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस व्हिच कंटेन, देखो उसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका फंक्शन क्या होता है देखो, एक्टिवेट द पेप्सिनोजी। ये एक एंजाइम होता है तुम्हारा, इनएक्टिव स्टेज में रहता है। ये एक्टिव कब होता है, जब एसिडिक मीडियम होता है। ये एससीएल का काम क्या होता है, टू एक्टिवेट करता है उसको और कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। दूसरा काम क्या है, टू किल द जर्म, जो फूड में जर्म है उसको ये किल कर देता है। अब देखो पेप्सिन कहां एक्ट करता है, ऑन प्रोटीन और लिटिल क्वांटिटी में क्या होता है, लाइपेज होता है तुम्हारा। लाइपेज का काम है फैट का डाइजेशन, एनसीआरटी में दिया हुआ है इसलिए यहां लिख दिया, लेकिन यहां पर होता नहीं है। चौथा देखो म्यूकस होता है, ये म्यूकस तुम्हारा उस म्यूकस से थोड़ा डिफर होता है। ये म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द स्टोमिक वॉल फ्रॉम द एसिड, क्योंकि जब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से यहां पर एसिड आएगा इस वॉल को क्या करेगा, डैमेज करेगा ना, तो ये म्यूकस क्या करता है तुम्हारा, प्रोटेक्ट करता है उस एसिड से। क्लियर हुए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, आगे बढ़े। ये देखो तीसरा ग्लैंड तुम्हारा पेनक्रियाटिक, करता है प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन पेनक्रियाटिक एमाइलेज। देखो ये एक्ट ऑन स्टार्च, ट्रिप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन, लाइपेज एक्ट ऑन फैट। तो मोर ऑर लेस स्टोमिक में देखोगे तो स्टोमिक में तुम्हारा जो डाइजेशन है किसका, प्रोटीन का होता है, वहां पर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। लाइपेज भी हुआ है तो थोड़ा लिटिल क्वांटिटी में रहता है, थोड़ा सा हो सकता है कि फैट का डाइजेशन, लेकिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का डाइजेशन तीनों एक साथ कहां से शुरू होता है तुम्हारा, ये पेनक्रियाटिक जूस पे। ये पेनक्रियाटिक जूस कहां पे रहता है तुम्हारा, ड्यूडेनम होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट हो गया, ठीक है, वहां से शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है तुम्हारा, ये जितने भी इंजाइम है, ध्यान से देखो, ये जितने भी इंजाइम है तुम्हारा जो पेनक्रिया से निकलता है, तो ये एक्टिव होता है तुम्हारा अल्कलाइन मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में क्या होता है, इनएक्टिव रहता है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही फूड तुम्हारा स्टोमिक से ड्यूडेनम में आता है तो क्या होता है, इस लीवर से और लीवर के गॉल ब्लडर से क्या निकलता है तुम्हारा, बाइल साल्ट निकलता है। बाइल साल्ट का मेन, या बाइल जूस भी उसको बोलते हैं, उसका मेन काम क्या रहता है कि फर्स्ट उस एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन फूड में। क्यों, जैसे अल्कलाइन फूड होता है तो पेनक्रियास का जो पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर है, अब देखो क्या कहता है, लाइपेज एक्ट ऑन फैट। अब यहां पर देखो ये लीवर का यहां पर फंक्शन दिया हुआ है, इट प्रोड्यूस बाइल साल्ट व्हिच कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन, सो पेनक्रियाटिक एंजाइम बिकम एक्टिव। समझ में आ रहा है, देखो अब एक दूसरा राउंड बाइल जूस का क्या होता है, इट इमल्सिफाई द फैट्स। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि फैट का जो मॉलिक्यूल होता है उसका वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको क्या करता है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट फर्दर डाइजेशन बिकम इजी, माने फर्दर फैट का डाइजेशन क्या होता है, इजी हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। और देखो क्या करता है, बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट चेंजेस इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल्स हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो इतना तुम्हारा ये प्रक्रिया ड्यूडेनम होता है, उसके बाद वो फूड कहां चलाता है तुम्हारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड में क्या होता है, दे प्रोड्यूस फाइनल एंजाइम।
फाइनल एंजाइम का मतलब क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज, प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड एंड फैट कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड। तो यहां पर फाइनल एंजाइम निकलता और यहीं पर क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तुम्हारा। देखो प्रेजेंटिंग एस वन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ओनली टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को क्या करता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। बस लार्ज इंटेस्टाइन का यही काम है। वहां लार्ज इंटेस्टाइन से फूड कहां जाएगा तुम्हारा, रेक्टम में, और रेक्टम में क्या होता है तुम्हारा स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसे ये फुल होता है तुम्हारा, तो आप फिर समझ ही रहे हो ये एनस के द्वारा क्या करते हो आप, बाहर आउट कर देते हो, तो इसी को इजेशन कहा जाता है। और ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, अब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, इतना नहीं लेके चलना, सिंपल इसको ऐसे भी बना सकते हो। देखो ध्यान से बता रहे हैं, ये ऐसे खींच दो सिंपली आगे, और ये स्टोमेक में इंड कर दो, ये स्टोमेक बना दिए। अब यहां पर जैसे ये स्टोमेक बनता है, देखो थोड़ा सा बता देते हैं, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, स्टोमेक बन गए। अब यहां पर क्या करना है तुमको, ये देख लो, ये लेके, और इसी बीच में ये आपका इंटेस्टाइन है। तो ये जो बीच में देख रहे हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है तुम्हारा, बहुत लंबा होता है, तो क्वाइलिंग के रूप में रहता है तुम्हारा, ठीक है। और ये देख लो, ये इसका एनस हो गया तुम्हारा, और यहां पर एक चीज देख रहे हो तुम्हारा, ये अपेंडिक्स होता है। तो ये हम लोग को अपेंडिक्स क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। एक्चुअली क्या होता है, अपेंडिक्स जो है फोर फुटेड एनिमल में पाया जाता है, यहां पर ये ब्लाइंड होता है। तो फोर फुटेड एनिमल में इसलिए अपेंडिक्स होता है, फंक्शनल होता है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया एक केमिकल निकालता है व्हिच डाइजेस्ट द सेलुलोज, ठीक है। हम लोग सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए क्या होता है, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हो उसको कहा जाता है बॉइल करके खाओ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सेलुलोज तुम्हारा डेक्सट्रोज में, और अब वहां से जो डाइजेस्ट एंजाइम चाहिए वो हम लोगों के बॉडी में, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि आप भी फोर फुटेड एनिमल से ही आए, कभी कभी ये अपेंडिक्स डेवलप हो जाता है, तो जब डेवलप होगा तो बैक्टीरिया आ जाएगा, क्योंकि वो तो नेचुरल होम है। अब उस बैक्टीरिया से क्या निकलेगा, वो केमिकल, केमिकल का यूज नहीं होगा, वो धीरे धीरे वो केमिकल क्या होता है, पस का रूप ले लेता है, और हो सकता है कि एक समय फटेगा तो आपका बॉडी पॉइजन, इसलिए डॉक्टर क्या करता है, उसको ऑपरेट करके बाहर निकाल देता है। समझ में आया, तो इतना तुमको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना था। लास्ट है तुम्हारा, अब देख लो, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, या इसका पीडीएफ नोट लेना चाहते हो, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो क्या करना है, आप ये www.paramartham foundation पे जाओ, वहां आपका एप्लीकेशन मिलेगा, बहुत नॉमिनल चार्ज है, आप ज्वाइन भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे तो मैं फ्री क्लास पढ़ाई रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा रिस्पायरेशन हम शुरू करेंगे, ओके।